सेना में भर्ती को लेकर लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर चल रहा विवाद खत्म नहीं हो रहा है। एक तरफ संसद में विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी में जुटा है, तो दूसरी तरफ अदालत में भी इस पर सुनवाई चल रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी मामले दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिए, यानी अब दिल्ली हाई कोर्ट इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले ही इसमें एक नया मामला सामने आ गया। दरअसल अग्निपथ योजना में हिस्सा लेने वालों से जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है, जिसके बाद ये मामला गर्मा गया है। विपक्ष ने इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब सेना में जाति देखकर भर्ती की जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि जात न पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। आजादी के बाद 75 वर्षों तक सेना में ठेके पर अग्निपथ व्यवस्था लागू नहीं थी। सेना में भर्ती होने के बाद 75% जवानों की छटनी नहीं होती थी, लेकिन संघ की जातिवादी सरकार अब जाति धर्म देखकर 75% जवानों की छटनी करेगी। सेना में जब आरक्षण है ही नहीं, तो जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत। वहीं कांग्रेस के कई नेताओं ने भी ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। तो वही खास बात यह है कि सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के सांसद भी जाति की एंट्री को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कास्ट और रिलीजन सर्टिफिकेट मांगे जाने का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा कि सेना में किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं है, पर अग्निपथ की भर्तियों में जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। क्या अब हम जाति देखकर किसी की राष्ट्रभक्ति तय करेंगे? सेना की स्थापित परंपराओं को बदलने से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। तो वहीं विवाद बढ़ता देख बीजेपी ने सफाई देते हुए कहा कि कुछ पार्टियां राजनीति करने का प्रयास कर रही हैं। संसद के मानसून सत्र में हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष सरकार से सवाल पर सवाल कर रहा है, देश के सामने खड़ी समस्याओं पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार दूसरे ही मुद्दों पर चर्चा की तैयारी कर रही है, जिसके चलते संसद में हंगामा मचा हुआ है। आज मानसून सत्र के दूसरे दिन भी किसी मामले पर चर्चा नहीं हो पाई, क्योंकि विपक्ष अड़ा हुआ है कि पहले जनता की समस्याओं को लेकर चर्चा कराई जाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने संसद के अंदर और बाहर दोनों ही जगह सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना, जीएसटी में बढ़ोतरी और महंगाई समेत अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान संसद में बनाए गए नियमों को भी कांग्रेस ने चुनौती दी। कांग्रेस और विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा में सरकार के खिलाफ तख्तियां लहराई। तख्तियां लहराते हुए विपक्षी सदस्य अध्यक्ष की कुर्सी के करीब तक पहुंच गए। तख्तियों पर अग्निपथ योजना की वापसी, एलपीजी समेत जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी, खाद्य पदार्थों पर बढ़ी जीएसटी दरों और बेरोजगारी जैसे मुद्दों का उल्लेख किया गया था। राज्यसभा में भी जीएसटी और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। विपक्षी सांसदों ने महंगाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाए जाने के फैसले को वापस लेने की मांग की। विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच दोनों ही सदस्य की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही स्थगित हुई तो विपक्षी सदस्यों ने सदन के बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे प्रदर्शन किया। विपक्ष के तेवर देख कहा जा सकता है कि वो जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को आसानी से छोड़ने वाली नहीं। ने भले ही 3 कृषि कानूनों को रद्द कर दिया हो, लेकिन किसानों की बाकी मांगों को अब तक पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेकर किसान एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कर रहे हैं। हरियाणा के किसान नेता और संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य गुरनाम सिंह चरूनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार की बनाई कमेटी को लेकर भड़क उठे हैं। सोमवार को करनाल की घरोड़ा अनाज मंडी पहुंचे चरूनी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन आज से नहीं बल्कि 1978 से चल रहा है। समय समय पर किसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और भविष्य में भी ये लड़ाई जारी रहेगी। साल भर चले किसान आंदोलन की वजह से 3 खेती कानून वापस हुए, लेकिन अब सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। सरकार पिछले दरवाजे से इन कानूनों को वापस लाना चाहती है, जिसे किसान सहन नहीं करेगा। किसान नेता ने सरकार की बनाई कमेटी को सिरे से खारिज कर दिया है। चरूनी ने कहा कि मुस्तर खाता कानून लाकर सरकार गांव की जमीनों पर कब्जा करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने एमएसपी और किसानों की दूसरी मांगों को लेकर एक कमेटी गठित की थी। जीरो बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देने, फसल का पैटर्न बदलने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को ज्यादा असरदार और पारदर्शी बनाने के लिए समिति का गठन किया था, जिसे किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर अभिमन्यु कोहर ने कहा कि इस कमेटी में उन किसान नेताओं को शामिल किया गया है जिन्होंने 3 कृषि कानूनों का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि ये कमेटी एमएसपी के मसले पर काम नहीं कर सकती है और हम इसे खारिज करते हैं।
अब किसानों के इस रुख से साफ है कि एक बार फिर किसान और सरकार आमने सामने आ सकते हैं और देश में एक बार फिर किसान बड़ा आंदोलन करने की